अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगी एंड फाइन शाइन होंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि एम ट्रेंड्स के जो आर्टिकल्स हैं, हॉट सेलिंग आर्टिकल्स स्टिच होकर आ चुके हैं, बेहद खूबसूरत स्टिच हुए हैं। आप लोग डिटेल में इन आर्टिकल्स को देखेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आर्टिकल आप लोग दिख रही ना, बेहद हसीन ड्रेस है और इसके ओवरऑल लुक में आपको दिखा देती हूँ सारी बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग नेकलाइन चेक देख लेते हैं। नेकलाइन को हम लोगों ने ये एप्लिक करवाया है और साथ में ये हम लोगों ने कॉइन्स लगवाए हैं। ठीक है, जितने भी कॉइन्स लगवाए हैं आप चेक कर सकते हैं, पल है और एक कॉइन है। सारे कॉइन जो हमने लगवाए हैं ना, वो हैंडमेड है, मीन्स के खुद ही हैंगिंग्स लगवाई हैं हमने। ठीक है, इस तरह सारी हैंगिंग चली गई और ट्राई किया कि हम ऐसे ही स्टिच करवाएं जैसे कि मॉडल पिक्चर ने वे किया हुआ है। तो ट्राई हम लोगों ने टोटली वही किया। नेक लाइन में जो है ना, पाइपिंग वाला गला आ गया और साथ में ये बटन्स अटैच कर दिए, फैब्रिक के बटन्स हमने बनवाए हैं। ठीक है, इस ड्रेस की लुक चेक कर लो आप लोग। बाद हम लोगों ने ये जो डिज़ाइन बनवाया ना, ये पैनल्स वाला है, जैसे मॉडल पिक्चर में था वैसे ही हम लोगों ने इसको स्टिच करवाया है। ये लेस आ गई पैनल्स में। ठीक है, ये लेस आ गई, इधर आ गई सारी लेस। ठीक है, बीच में ये कट भी है, ये हम लोगों ने कट भी रखवाया है और सारी लेस यहाँ पे भी आ गई, सारी लेस यहाँ भी चली गई और सारी लेस यहाँ पे भी आ गई और दामन पे भी इसी तरह की लेस आ गई। ठीक हो क्या? और वाइट के नॉइस को इग्नोर करिएगा। इस शर्ट की जो लेंथ है ना, हम लोगों ने इसको ए लाइन स्टाइल में रखवाया है और जो लेंथ है ना, हम लोगों ने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टिच करवाई है। मेरी कस्टमर है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये उनके आर्टिकल्स है, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने 38 से 39 लेंथ रखनी है, इससे ऊपर की लेंथ आपने नहीं रखनी। आप देख सकते हैं लोग कितनी खूबसूरत लग रही है इस आर्टिकल की, और ये आर्टिकल स्टिच होने के बाद बेहद हसीन लग रहा है। और इसको हम लोगों ने वैसे ही स्टिच करवाया है जैसे ही इसकी मॉडल पिक्चर में था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसका दामन है, इसी तरह के इसको हम लोगों ने अटैच करवाया है और अंदर जो हम लोगों ने पलटावा डाला है ना, वो हम लोगों ने ट्राउज़र के फैब्रिक का ही डाला है क्योंकि अच्छा लग रहा था ट्राउज़र के ही फैब्रिक का। ठीक है, इस ड्रेस की ओवरऑल लुक हो गई। बैक के ऊपर भी ऐसे ही लेस हम लोगों ने अटैच करवाई है और ये साड़ी हम लोगों ने जो है ना तुरपाई करवाई है। ठीक है, तो ये इस ड्रेस की लुक हो गई। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोगों ने ट्राई किया कि सारे आर्टिकल हम वैसे ही स्टिच करवाए हैं मारिया बी की जैसे कि मॉडल पिक्चर में थे। और देखिए हैंगिंग कितनी खूबसूरत लगी, और ये कॉइन्स ऐसे नहीं हैं जिसका कलर ख़राब हो जाए। ये कॉइन्स जो है ना आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएंगे, मीन्स के लेसेस की शॉप ही ईजीली आपको मिल जाएंगे। एक मोती भी हमने अटैच की है, तो ये मोती भी आपको ईजीली वहाँ से मिल जाएगी। और ये लेस भी देखें, लेस का डिज़ाइन है वो भी हम लोगों ने जिस तरह का प्रिंट था इसकी के ट्राउज़र का राउंड में हमने ट्राई किया, वैसे ही हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बड़ी ढूंढ ढांड की इस लेसेस को अटैच किया। सबसे मज़े का लग रहा है इसका स्लीव्स। स्लीव्स को हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया है, हम लोगों ने जैसा मॉडल पिक्चर में था वैसे ही इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, आप लोग देखें, इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। ये देखें, ये जॉइंटर अटैच किया, एक बॉर्डर में ये दिया गया था, इसको हम लोगों ने अटैच करके ये एप्लिक करवा लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये टेसल्स अटैच किए हैं। ये टेसल्स भी हैंडमेड हैं क्योंकि छोटे छोटे टेसल्स थे, थ्रेड के टेसल्स बनवाए हैं। उसके बाद एक और ऑर्गेन्जा का पैच था जो कि हम लोगों ने इसको ऐसे लगवाया है। उसके बाद ये भी जैसे मॉडल पिक्चर में बने हुए थे ना, तो जैसी हैंगिंग्स थी वैसे ही हम लोगों ने हैंगिंग्स बनवाई हैं। ये भी हैंगिंग्स हम लोगों ने सारी हैंगिंग्स बनवाई हैं और ये देख सकते हैं जितने भी मार्बल्स लगी हुई, ये ओरिजिनल है, इसे कलर फेड नहीं होंगे और ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। इन मार्बल को आप लोग जो है ना अपने रिक्वायर्ड कलर भी करवा सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई वाला आर्टिकल है ना, तो उसके जो हैंगिंग्स थी ना वो मैंने डाई करवाई हैं क्योंकि उसकी मिल नहीं रही थी। और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं आप लोग सब आर्टिकल शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने चैनल से कनेक्टेड रहना है और इसकी लुक चेक कर ली, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये आर्टिकल स्टिच होने के बाद। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी आर्टिकल नाइस लगा हो। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में आपको दिखा रही हूँ सारे आर्टिकल्स को। ऑलरेडी जो है ना
मैं ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोगों ने अगर अभी तक ड्रेस डिज़ाइन की वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देख सकती हैं, जॉइंट अटैच किया हमने, ठीक है, जैसे कि मॉडल पिक्चर में था। लेते हैं जो ट्राउज़र है, हम लोगों ने सिंपल इसको स्ट्रेट पैंट्स में रखा है क्योंकि ऑलरेडी शर्ट इतनी हैवी चली गई थी और जो मॉडल पिक्चर ने वेयर किया हुआ था उसका भी ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट पैंट्स थी, तो हम लोगों ने इसको स्ट्रेट पैंट्स ही रखवाया है, ठीक है। आप लोग लुक चेक कर लें और इसी तरह की स्टिचिंग करवाने के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम पर स्क्रीन पर मैंशन है और आप लोगों को पिन कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रेस के ओवरऑल लुक है, ठीक हो गया। और ये आप लोग ग्रीन देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप लोग अगर ऐसे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टे को जो है ना हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया है। दुपट्टे के ऊपर भी ऐसी ऐसे ही चादर वाली लेस लगवा दी जैसे कि मॉडल पिक्चर में थी, ठीक है। इसी तरह की चादर वाली लेस अटैच करवाई है और साथ में जो लॉन्ग साइज थी ना उस पर अगेन वही लेस लगवाई है जो कि हमारे पास थी, यानी कि जो हमने लगाई है इसके शर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली लेस हमने अटैच कर दी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। इसके दुपट्टे का जो प्रिंट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस सिस्टर ने अभी देखा है तो वो देख सकती है। इसकी मॉडल पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने एज अ मॉडल पिक्चर इसको बनाया है, जिस तरह मॉडल पिक्चर में वेयर किया गया था वैसे ही हमने इसको स्टिच करवाया है, ठीक है। तो इस ड्रेस के लुक चेक कर लें, हैंगिंग्स की देखें कितनी ऐसी ही हैंगिंग्स लगी हुई थी और इसी तरह ही हमने अटैच करवाया है। उसके बाद इसके स्लीव्स की हैंगिंग्स चेक कर लें, इसी तरह की हैंगिंग्स थी और इसी तरह ही हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करवाया है इस आर्टिकल को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आर्टिकल अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को आर्टिकल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बने गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। दुपट्टे को देखें, दुपट्टे को भी झाला वही लेस थी और इसी तरह ही हमने उसको अटैच करवाया है, ठीक हो गया। इस ड्रेस की ओवरऑल लुक आ गई और ये इस ड्रेस की लुक आप लोग देख लें। ये देख लें, ये आर्टिकल बेहद खूबसूरत स्टिच हुआ है और इसको हम लोगों ने एज अ मॉडल पिक्चर ही स्टिच करवाया है। तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका नेक लाइन देख लेते हैं। नेक लाइन को हम लोगों ने ओवरलैप में रखवाया है और इसकी लुक चेक कर लें। ओवरलैप में रखवाने के बाद हम लोगों ने इधर जो है ना ये पर्ल्स लगवा दिए नेक के ऊपर, उसके बाद ये बटन्स अटैच किए हैं। ये सारे बटन्स हैं, 1 2 3 4 बटन्स अटैच हो गए। इसकी शर्ट थी वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी, आप लोग चेक कर लें, ठीक है। पैनल्स में ये वाली हम लोगों ने लैस ज्वाइन की है, इन्होंने तो लैस लगवाई है पर्ल्स वाली, लेकिन हम लोगों ने पर्ल्स वाली नहीं अटैच की। हम लोगों ने जॉइंट लेस में जो है ना फ्लावर वाली लेस अटैच की है क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लावर वाला प्रिंट था। तो इसी तरह के साथ मैंने मैचिंग करके की वाली लेस अटैच करवाई है। इस आर्टिकल को हम लोगों ने एज अ फ्रॉक स्टिच करवाया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई आर्टिकल नाइस लगा हो, ठीक है। इसको इसकी लुक चेक कर लें, ठीक है क्या। और दामन देखें, दामन के ऊपर हम लोगों ने हैंगिंग्स लगवाई हैं जैसे कि मॉडल पिक्चर में थी वैसे ही हैंगिंग्स हमने लगवाई हैं। आप लोग देख सकती हैं ऐसे ही हैंगिंग्स हमने बनवाई हैं शर्ट के ऊपर, ठीक है। ये देखिए हैंगिंग्स हमने लगवाई हैं और ये आर्टिकल स्टिच होने के बाद बेहद हसीन लग रहा है। और इस ड्रेस की जो लुक हमने रखी है वो ए लाइन स्टाइल में रखी है, ठीक हो क्या। और काफ़ी ज़्यादा घेर रखा है हमने और इस ड्रेस की जो लेंथ है वो 38 है, ठीक है। इसके बाद स्लीव्स की तरफ आ जाती हैं। स्लीव्स के ऊपर भी हम लोगों ने एज अ मॉडल पिक्चर ही इसको इसके ऊपर हैंगिंग्स लगवाई हैं। ये राउंड वाला है, हम लोगों ने जॉइंटर अटैच कर दिया और साथ में ये ऑर्गेंजा वाला जो पैच दिया गया था इसको सारा एप्लिक करवाया है, ठीक है। मिड का जो था नहीं एप्लिक हुआ हुआ था और जस्ट यहाँ से कट वर्क हमने करवाए हैं और ये सारी हैंगिंग्स लगवाई हैं। आप लोग हैंगिंग चेक कर लें, कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। ये सारी हैंगिंग्स हमने खुद लगवाई हैं, ठीक है। ये सारी हैंगिंग्स आ गई इसके ऊपर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं आर्टिकल। इसकी ओवरऑल लुक और बेहद हसीन लग रहा है आर्टिकल।
अब हैंगिंग जो है ना वो हमने ऐसे लगवाई हैं, अगर आप लोग इस तरह की हैंगिंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकती हैं। और ये देखिए, ये देख सकते हैं आर्टिकल बेहद हसीन लग रहा है, इसके लुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है। और ये इसकी मॉडल पिक्चर आ गई, हमने ट्राई किया कि मॉडल पिक्चर की तरह ही इसको स्टिच करवाएं। ट्राउज़र है, ट्राउज़र के बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स रखा है, जैसे कि मॉडल ने वेयर किया हुआ था वैसे ही बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स रखी है, एज इट इज़ रखा है, कुछ भी हम लोगों ने नहीं करवाया, सिंपल ट्राउज़र रखा है। और साथ में इस तरह इसको हम लोगों ने बनवाया है इस ट्राउज़र को, ठीक है। ये हो गया ट्राउज़र, इसके बाद इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे के ऊपर जो हम लोगों ने लेस लगवाई है, सब थोड़ी सी अच्छी वाली जो लेस है वो हम लोगों ने इसकी पल्लुओं पर लगाई है, इसके पन्नों पे हम लोगों ने ये लेस अटैच करवाई है, ठीक हो गया। ये लेस हम लोगों ने अटैच करवा दी इसके पन्नों के ऊपर, और इसके जो लॉन्ग साइज थी उसके ऊपर ये वाली लेस अटैच करवाई है, जैसे कि मॉडल पिक्चर में भी थी ऐसी ही लेस थी, इसी तरह की लेस हम लोगों ने लगवाई है। इसको ओपन करके दिखाओ, इसके दुपट्टा भी ओपन करके मैं इसका प्रिंट भी आपको दिखा देती हूँ। और ये आर्टिकल हिट कोड में से एक है, सारे आर्टिकल हिट कोड में से एक है, और इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारे मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि जो सिस्टर इन आर्टिकल्स को इसी तरह स्टिच करवाना चाहती हैं वह स्टिच करवा सकती हैं, ठीक है। और ओवरऑल इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, ये देखिए ये इसका दुपट्टा आ गया, और इसकी मॉडल पिक्चर है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।